अरे क्या बात है शोहन भाई, आज का स्टंट रेस तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन छोटा तो लग रहा है मुझे। छोटा नहीं है लेकिन हाँ डिफिकल्ट बहुत ही ज्यादा है भाई, देख रहे हो मतलब स्टार्टिंग ही बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है भाई। उसके आगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आज का स्टंट रेस मजेदार और डिफिकल्ट तो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। और हाँ शोहन भाई, आज तो मैं ही रेस को शुरू करूंगा, मैं तो कार में बैठ भी गया। वो कहिए नीचे उतर तू, मैं कार में बैठूंगा, मैं ही रेस को शुरू करूंगा। चल चुप कर, पिछले 4-5 रेसेस से बहुत ज़्यादा तूने मेरे साथ नाइंसाफी कर ली। तू ही रेस को शुरू कर रहा है, लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब मैं रेस को शुरू करूँगा। शुरू करूँगा क्या मैंने कर दिया? हाँ, कर दिया है लेकिन भाई साहब कंट्रोल रखना होगा बहुत ही ज़्यादा। लो भाई, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेस तो मेरे ख्याल से अब आया है, ये रोटेशन के ऊपर कार को स्टेबल करना और उसके बाद फिर आगे लेके जाना। बहुत सही, रोक लिया रोक लिया रोक लिया रोक लिया। नहीं भाई, मैंने कहा था कि ये वाला फेस सबसे ज़्यादा मुश्किल है, अगर ये सेंटर में रुकता थोड़ी देर तब शायद से हो सकता था। लेकिन खैर जो भी हो, कल हुआ भाई, तुम्हारी तो पहली लाइफ लाइन चली गई, तो यार जल्दी से पहुंचो रेस ट्रैक पे। और अब है नोबिता भाई की बारी। तो भाई साहब, कलुआ भाई की नाकाम कोशिश के बावजूद, ओहो नोबिता भाई ये क्या कर दिया यार, फालतू में तूने गिरा दिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं शांत भाई, इतना तो होता ही रहता है। लेकिन अगर यहीं कहाँ में इस टेंगू ने किया होता तो मैं इसकी हड्डियां तोड़ देता। पता नहीं भाई, सिंचन और भाई कलुआ के बीच क्या बातें हैं भैया। लेकिन खैर जो भी हो, नोबिता भाई ने भाई कर दिया है रेस को शुरू। लेकिन ये क्या यार, क्या कर रहा है भाई, क्या बकचोदी कर रहा है फालतू में। चुपचाप रेस पे ध्यान दे यार, क्योंकि ये रेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। बच गया यहाँ पे ये, वरना तो भाई ये तो कलुआ से भी पीछे ही गिर जाता वो भाई। ओ हौले 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 हौले, थोड़ा सा भी अगर टायर इधर उधर हुआ ना तो सीधा नीचे भाई साहब, और पहली लाइफ लाइन गंवा बैठेगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी तरीके से चलना होगा। देखते हैं कि भाई साहब नोबिता भाई यहाँ पर क्या करता है। लो जी, क्या बात है क्या बात है भाई, नोबिता भाई ने भाई दिमाग थोड़ा सा लगाया है, मतलब बूस्टर का इस्तेमाल कर लिया है। क्या यार कल तुझे भी कर लेना चाहिए था थोड़ा सा बूस्टर का इस्तेमाल। अरे सोच भाई, मेरे दिमाग में आया ही नहीं। लेकिन खैर जो भी हो, तेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन भाई नोबिता भाई क्या परफॉर्मेंस दे रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा शानदार। मुझे लगता है ना कि इस कार की स्पीड कुछ ज़्यादा ही है। क्या बात है यार, वो भाई ये तो भाई ये स्टंट को ऐसे खेल रहा है जैसे कि भाई मक्खन हो, नो इशू आराम से। वो क्या, ओ नहीं भाई साहब, अभी मैं इसकी तारीफ कर ही रहा था। लेकिन यार क्या यार, मतलब नोबिता भाई तुम्हें स्पीड में कंट्रोल रखना चाहिए था यार, ओवर स्पीडिंग की वजह से फालतू में भाई साहब इतना आगे आने के बाद भी नोबिता भाई नीचे गिर गया, यानी कि भाई नोबिता भाई तुम्हारी भी पहली लाइफ लाइन तो गई। क्या बात है, ये दोनों के दोनों मनहूस कहीं के आउट हो गए ना। चलो अब मेरी बारी है, देखते हैं शोज भाई, मैं तो इस रेस को पक्का जीतूंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले एक बढ़िया सी कार चूज करनी होगी जिसकी स्पीड सही हो। हाँ ये थोड़ी सी पावरफुल कार लग रही है, मैं तो इसी से रेस को करूंगा। ओ कलवे, रो बैटरी छा, मिलता हूँ तुमसे रेस जीतने के बाद। हैं ज्यादा बकवास मत कर, पता रहेगा यहीं पे गिर जाए तू। हाँ, सपने देख भी तू। लेकिन भाई साहब यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई शायद फ्रैंकलिन सही है, क्योंकि ये कार का साइज भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पर भाई साहब डिफिकल्टी होने वाली है शिनचैन के लिए। लेकिन अब देखने हैं कि इस रोटेशन के ऊपर ये कैसे परफॉर्म करता है। क्या बात है, फिर से किया एक्सेस, वाह क्या बात है भाई साहब। जब से नोबिता भाई ने बूस्टर का इस्तेमाल किया है ना, तब से भाई साहब सभी प्लेयर्स को मेरे ख्याल से आइडिया मिल गया है कि उस फेज को कैसे पार करना है। क्या बात है भाई, इसको भी भाई शिनचैन ने बहुत ही शानदार तरीके से पार कर लिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि यहाँ पर वो क्या बात है, सही में यार इसने कार बहुत ही ज़्यादा शानदार चूज की है जिसकी स्पीड है और पावर भी है। वो नहीं भाई, लेकिन कंट्रोल तो भाई साहब शिनचैन के हाथ में ही है, कंट्रोल अच्छे से करना होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज है, यहाँ पर नोबिता भाई गिर गए थे, लेकिन 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 भाई शिनचैन भी गिर गया। नो यार, मतलब एक स्टेज वो था और एक स्टेज ये है भाई जहाँ पे हमारे तीनों प्लेयर्स आई गेस आउट हो चुके हैं। अब फिर से है भाई कलुआ की बारी। कलुआ तेरी सेकेंड और लास्ट लाइफ लाइन है भाई, जल्दी से कर ले नहीं तो भाई आउट। क्या बात है, फिर से मेरी बारी आ ही गई। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, इस बार तो मैं जरूर जीतूंगा। हाँ ये कार मुझे पावरफुल लग रही है, इसमें मैं जाऊंगा। हाँ भी कलुआ, तुझे तो पिछली बार भी लग रहा था कि तू जीत जाएगा और इस बार भी लग रहा है, लेकिन देखते रहना तो यहीं पे आउट हो जाएगा भाई।
और तू फिर ऑडियंस बन के चुपचाप हमारे मैच देखेगा। ओए ज्यादा बकवास मत कर, गुस्सा मत चढ़ा। नहीं अभी कार लेके आऊंगा, तुझ पे ही चला दूंगा, समझा? अबे हैं चुपचाप अपने रेस पे ध्यान दे, समझे भाई साहब? यहाँ पर बहुत सही, क्या बात है, बिना बूस्टर का इस्तेमाल ओ भाई साहब कंट्रोल कर लिया है। लेकिन क्या बात है भाई, कलुआ ने भाई साहब बिना बूस्टर का इस्तेमाल किए ही उस फेज को पार कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और क्या बात है भाई साहब, इसे कहते हैं सुपर स्पीड। लेकिन यही स्पीड तो भाई साहब नोबिता भाई की भी थी, और नोबिता भाई भाई आउट हो गए थे। तो मैं कलू को भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है, लेकिन स्पीड को भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्या बात है, यहाँ पर गाड़ी थोड़ी सा आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई, बहुत सही, कुछ ज़्यादा ही पीछे करता जा रहा है कलुआ भाई। देखते हैं कि क्या है। ओहो आपके टनल में घुसाएगा क्या? क्या बात है, स्पीड में जा रहे हैं, बूस्टर का किया है इस्तेमाल, यहाँ पर बूस्टर का इस्तेमाल करना बनता भी है। लेकिन बहुत सही। और क्या बात है, वो क्या बात है भाई साहब, क्या जंप मारी है भाई, मतलब यहाँ पर बिल्कुल देख रहे हो यार, जो मतलब ये रिंग है और इस रोड के बीच एज टू एज कनेक्टेड है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी कि ये भाई नीचे गिर सकता था, लेकिन नहीं भाई साहब, क्या बात है, क्या कंट्रोल दिखाया है कार के ऊपर, और बहुत ही शानदार तरीके से भाई साहब उसने वो स्टेज पार कर लिया जिसको कि भाई साहब मैक्सिमम हमारे प्लेयर्स नहीं पार कर पाए। लेकिन भाई साहब अभी तकलीफें खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो भाई साहब और भी ज्यादा डिफिकल्ट फेस बाकी है, और ये है भाई साहब वो डिफिकल्ट फेस, मतलब देख रहे हो यार, तुम देखो भाई, बिल्कुल मतलब कार के बराबर जगह है, थोड़ा सा भी अगर चूक की तो बस आउट आउट। ओए ओए बहुत ज्यादा कंट्रोल, होले होले होले, यहाँ पर एक जंप नहीं भाई साहब, मुझे लगा था यहाँ पे जंप है, लेकिन नहीं, यहाँ पे भाई कंटेनर्स हैं। होले होले यहाँ पर भी बहुत शानदार, ओ भाई साहब बच गया। लेकिन मानना पड़ेगा यार भाई कि कार को ज्यादा ही स्ट्रांग है यार, मतलब इतनी बार भाई गिरी पिड़ी, मतलब हालत भाई खस्ता हो चुकी है, बात कहना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब अभी भी मतलब इसको कुछ नहीं हुआ, ब्रश नहीं हुआ, बूस्टर का किया है इस्तेमाल, बिल्कुल फिनिश पॉइंट, ओ क्या बात है भाई साहब, यस, इसे कहते हैं भाई साहब किस्मत, नहीं यार किस्मत नहीं भाई साहब, कंट्रोल बहुत ही ज्यादा शानदार था। और क्या बात है भाई, सर्कल बना दिया भाई कलवे ने तो, वो अरे बस कर भाई बस कर, क्या बात है, क्या कंट्रोल है भाई कार के ऊपर भाई साहब, अब मुझे समझ में आ रहा है कि कलवा क्यों जीता है। लेकिन भाई तू क्या कर रहा है यार, यहाँ मैथ्स के ट्यूशन देने नहीं बैठे है, तू सर्कल बना रहा है, बस कर भाई बस कर, क्या बात है यार, क्या स्टंट परफॉर्म करके दिखाया भाई कलवा भाई ने, यस भाई कलवा भाई रेस जीत गया, वो बहुत ही शानदार कलवा भाई, थैंक यू शान भाई यार, बहुत दिनों के बाद आज रेस जीता हूँ, आज कुछ अच्छा लग रहा है, आज तो मैं बहुत बड़ी पार्टी दूंगा यार, जल्दी से मेरा प्राइज मनी ले आओ। बस तू 2 सेकंड वेट कर, हम तेरा प्राइज मनी जल्दी लेकर आते हैं भाई साहब। आज तुम लोग शौक हो जाओगे भाई साहब कलो भाई का प्राइज मनी देख के यार, ये देखो भाई कलो भाई का प्राइज मनी, 2-2 गोल्डन चॉपर, ढेर सारी स्पोर्ट्स कार, ये सारे भाई साहब स्पोर्ट्स कार है, ना कि सुपर कार्स, और ये भी भाई बहुत ही ज्यादा महंगी है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ भाई, ये देख रहे हो लाइन लगा के भाई साहब डॉलर भर भर के पेटिया है भाई। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई कि गोल्ड कहाँ गया, यार देखो आज गोल्ड नहीं है, क्योंकि भाई देख रहे हो डॉलर से इतने सारे हैं, कार्स इतने सारे हैं, हेलीकॉप्टर है गोल्डन, तो भाई साहब गोल्ड देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, कितनी सारी डॉलर्स की पेटियां हैं यार, क्या बात है। कड़ुए कैसा लगा? बहुत अच्छा है शोहन भाई, थैंक यू वेरी मच, हाँ बहुत दिनों के बाद मैं इतना प्राइज मनी जीता हूँ, आज तो जम के पार्टी होगी, आज तो 2 डॉलर पेटियां खर्च कर दूंगा सर पार्टी पे। वो क्या बात है भाई, लगता है कुछ जानदार ही पार्टी देने वाला है। हाँ हाँ, और टिंगो तू जरूर आना, नोबिता भाई आप भी आना, टिंगो तू आएगा तो जलेगा तो मुझे मजा आएगा। वही मैं क्यों जलूंगा है, तुझसे पहले भी मैं 2 रेस जीत चुका हूँ समझे। हाँ हाँ जीत चुका है, लेकिन पार्टी में आ जाना समझा। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। तो चलो भैया मैं तो चला ये सारे के सारे डॉलर्स को कलेक्ट करने, और सारी कार्स को तो मैं एयरलिफ्ट करवा लूंगा, जल्दी से मैं इन सबको कलेक्ट कर लेता हूँ, पार्टी भी तो करनी है शाम को। तो चलो भाई कलवा कर रहे भाई साहब ने प्राइज मनी को कलेक्ट, और करने दो यार पार्टी शार्टी, और हम भी चलते हैं। और अगर आपको यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।